हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ काले चने की सब्ज़ी। बहुत सिंपल रेसिपी है, 15 मिनट में बन के सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। जिसको खाते ही आप बोलोगे, अरे ऐसी रेसिपी मैं पहले क्यों नहीं जानती थी। तो ये चना हमने भिगो दिया था रात को, उसको मैं धो के अच्छे से रख लूँगी। ये देखिए, चना एकदम भिगो के एकदम जब रखोगे आप तो एकदम अच्छे से एकदम आपका चना एकदम रेडी हो जाता है। उसके बाद हम ले लेंगे एक कुकर, कुकर को गरम कर लेंगे। कुकर में डाल देंगे तेल, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैं डाल दूँगी जीरा राई का तड़का। जीरा राई जब एकदम अच्छे से आपका गरम हो जाए, उसके बाद डाल देंगे इसमें प्याज और एक कटी हुई हरी मिर्ची। उसको हम अच्छे से इसमें पका लेंगे, ब्राउन होने तक इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तेज आंच पे रखेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें चना, जो चना हमने अच्छे से भिगो के अब अच्छे से धो के रख दिया था। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। आँच ही तेज आँच पे रखेंगे इसको। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें गार्लिक और लहसुन का पेस्ट। गार्लिक और अदरक का पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिला के डाला था। उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर सॉल्ट, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा डाल दिया था मैंने इसके ऊपर गरम मसाला। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देना आपके पास हो तो। उसके बाद हम ले लेंगे इसके अंदर सीटी। मैं सीटी ली हूँ 5, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद सीटी होने के बाद हमारा चना रेसिपी एकदम अच्छे से पक जाएगा। उसको हम ऐसे परोस लेंगे। आप अगर चाहें तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर यूज़ नहीं किया। मैंने बहुत सरल और सिंपल वाली सब्ज़ी बनाई है। ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, पानी एकदम मसालेदार और रसेदार। इसको आप चावल से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, चपाती से खा सकते हैं, पराठे से खा सकते हैं, पूड़ी से खा सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे खा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलती हूँ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।